गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे अलंकार। जैसे कल भी हमने अलंकार के सारे रूप किए थे, आज फिर से करेंगे आगे के बड़े हुए। इसमें आगे है रूपक अलंकार, जहां पर किसी चीज की किसी दूसरी वस्तु के साथ समानता दिखाई जाती है उससे रूपक अलंकार कहते हैं। जैसे चरण कमल बंदो हरिराई, चरण और कमल बंदो हरिराई, यानी कि इनके अंदर जो चरण रूपी कमल है, कमल रूपी चरण है, उनकी बंदगी करने के बारे में बताया गया है। आगे देखिए, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं। अब चांद को तो कोई नहीं तोड़ सकता, इसलिए उसका रूप ही मिलेगा, इसलिए कहता है मां मैं तो चांद रूपी खिलौना लूंगा। उसी प्रकार आगे देखिए, उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग, विकते संत सरोज सब हर्षे लोचन श्रृंग। इसके अंदर क्या चीज है कि इसके अंदर एक चीज शो की गई है कि जब श्री राम जी थे वो उठकर जो है वो सूर्य को इस प्रकार से देखते थे कि जिस प्रकार से जो संत है वो भवरे के रूप में जो है वो सब भवरे के रूप में संत जो है वो श्री राम को देखकर खुश होते हैं। जो यानी कि कहने का मतलब यह है कि जो श्री राम थे जब छोटे थे तो वो जो है सूर्य को देखकर खुश होते थे। वो ऐसे खुश होते थे जैसे संतों को संत रूपी जो भंवरे हैं वो फूल के ऊपर मंडराते रहते हैं, इसी प्रकार से जो श्री राम हैं वो छोटे होते हुए सूर्य को देखकर खुश होते थे, सूर्य रूपी खिलौनों को देखकर खुश होते थे। चलिए आगे देखिए, अनुक्ति अलंकार, जिस अलंकार में हम कोई और माध्यम से हमें उसके आंसर का पता लगे, यानी कि पहले था शब्द अलंकार, भी शब्दों के अंदर चमत्कार उत्पन्न होता है, दूसरा था अर्थ में, ये होता है किसी तीसरे के रूप में, नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकासी काल, यानी कि इसके अंदर उस समय का वर्णन किया गया है जब जो राजा है जयसिंह वो अपनी पत्नी के प्रेम में अंधे हो गए थे, तो उस समय कवि ने ये कहा था कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास ही काल। तो जब राजा जयसिंह जो थे वो अपनी पत्नी के मुंह में अपने राज्यकार को छोड़कर बैठ गए थे, तब कवि ने तीसरी बात की थी, यानी कि ना तो अर्थ की बात हुई ना ही शब्द की बात हुई, तो उन्होंने उसको अपनी कविता के माध्यम से समझाया कि इस समय जो तुम मोक नहीं पराग नहीं मधुर मधु, यानी कि जो आपकी पत्नी है वो अभी छोटी उम्र की है और वो अध खिली कली के रूप में नहीं विकास ही काल, उसके शरीर का इतना विकास नहीं हुआ, अली कली ही सो बांधो। तो जो राजा जयसिंह है, अली अली बोलते हैं भवरे को, कली कली से जो बंधा हुआ है, आगे कौन हवाल, अगर वो अभी इसके प्रेम रूप में बंध गया है तो आगे उसके देश का क्या होगा, यानी कि तीसरी जगह पे उसने माध्यम बना के कहा है। इस प्रकार है अतिशोक्ति अलंकार, जो सबसे आसान अलंकार कहलाता है। इसमें क्या चीज होती है, किसी बात को इतना बढ़ा चढ़ाकर कहा जाता है कि बात पे विश्वास करना मुश्किल होता है, उसे अतिशोक्ति अलंकार कहा जाता है। जिस प्रकार इसमें एक वाक्य दिया गया है, हनुमान की पूछ में आग लगने पाई आग, लंका सिगड़ी जल गई गए निशाचर भाग, यानी कि हनुमान की पूछ में आग ही नहीं लगी थी कि चारों तरफ जो लंका थी वो सिगड़ी यानी कि बिल्कुल ऐसे जल गई जैसे कि अंगीठी जल गई होती है, गए निशाचर भाग, और वहां से जितने भी निशाचर यानी कि राक्षस थे वो भाग गए। यानी कि जब हनुमान की पूछ को आग नहीं लगी तो फिर लंका कैसे जल गई, देखते जाइए कि उसके बाद आगे है, आगे नदियां पड़े अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा सईस पार, तब तक घोड़ा था उस पार, यानी कि इसमें महाराणा प्रताप के घोड़े के बारे में बताया गया कि
अभी राजा सोच रहा था कि इतनी बड़ी नदी मैं कैसे पार करूंगा, तो उसके सोचने से पहले ही घोड़ा जो था इतनी लंबी चौड़ी नदी से पार हो गया था। यानी कि इसे कहते हैं अतिशोक्ति अलंकार। आज आपके अलंकार समाप्त हैं।